अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं गेन आ गई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार झटपट सी रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ झटपट तरीके से कॉर्न वाली चाट, या आप स्पाइसी कॉर्न्स भी कह सकते हैं, वेजिटेबल कॉर्न्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 5 से 6 अदद जो है वो भुट्टे ले लिए हैं, जिसको हम कॉर्न कहते हैं। फिर हमने उसको बॉयल कर लिया है, देखें इस तरीके से अच्छी तरह हमने इनको बॉईल कर लिया है। तकरीबन 1 घंटे में ये बॉईल हो जाते हैं बिल्कुल ही अच्छी तरीके से। और अब हम इनको जो है वो पील करेंगे, यानी कि इनके जो कॉर्न्स हैं वो निकाल लेंगे। यहाँ देखें इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट नाइफ हम चलाएंगे और ये फौरन फौरन निकल जाते हैं बिल्कुल ही ईजीली, कोई भी जो है वो परेशानी वगैरह नहीं होती। और इस तरीके से खुल भी जाते हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम जो है वो सारे कॉर्न्स निकाल लेंगे, ये देखें इस तरह। अब यहाँ पर हमारे पास 1 किनू है, 2 नींबू है, 1/2 कप टोमेटो है, 1/2 कप कैप्सिकम है चॉप की हुई, 1 कप ककम्बर है, 1 कप अनियन है, और साथ ही साथ चाट का मसाला है 1 टेबल स्पून भरकर। अब अनियन, ककम्बर, टमाटर और कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें हम कॉर्न में ऐड कर देंगे, ये देखें इस तरह। अब हम इसको जो है वो अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे, ये देखें इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें चाट का मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून भरकर ऐड कीजिएगा, ये देखें इस तरीके से। फिर हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो है वो लेमन जूस ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पर 2 पूरे नींबू इसमें ऐड किए हैं, ये देखें इस तरीके से। और साथ ही साथ मिक्स भी करते रहेंगे अच्छे से। और अब यहाँ पर मैंने जो आपको बताया ऑरेंज, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, 1 ही ऐड किया है, इससे जो है वो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही इन्हेंस हो जाता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो बस इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें हल्का सा चाट का मसाला और स्प्रिंकल करेंगे, एट द एंड हम इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर देंगे, जो कि इस रेसिपी के टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। बस इन सब चीज़ों को अगेन अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ हमारी कॉर्न वाली चाट रेडी हो चुकी है, कॉर्न सैलेड भी कह सकते हैं आप इसको। और अब बस हम इसको कंटेनर्स में ऐड कर देंगे, या जो भी आपको जिसमें भी ऐड करके सर्व करना हो उसमें आप ऐड कर दें, थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर लें और बस ये रेडी। तो देखा कितनी ईजी और कितनी झटपट तरीके से हमारी कॉर्न सैलेड की रेसिपी रेडी हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और ऐसी झटपट सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल द स्पाइस सिस्टर को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।